आखिर में तुम सीरियस हो। जैसे कि हम लोग इसको ड्रिल मशीन से लगा रहे थे, अगर आपके पास छोटी मशीन है और ये है पाना लगाने के लिए, तो ये छोटी मशीन के लिए है। और अगर आप मान के चलिए छोटी मशीन नहीं, आपके पास ड्रिल मशीन है, तो उसमें कैसे लगाएंगे? ड्रिल मशीन में तो ये हमारा ये बैठेगा नहीं, तो ड्रिल मशीन का जो है इसके लिए कुछ इस तरीके का रहता है, तो ये तो हमारा इसमें बैठेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हैमर का जो पाना होता है वो कटिंग करके, इसको कटिंग करके वेल्डिंग कर देते हैं और फिर आ जाता है। अगर वो भी नहीं हो रहा आपके पास, तो ये हमारे पास है 15 डैश 10 mm का ये हमारा ड्रिल चक है, और हम लोग इसको इसमें लगा देते हैं। ये हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग ये जो इसका 8 mm का पाना है, ये पाना इसमें लगाने के बाद, और इसको हम लोग अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। और ये है ना, टाइट हो चुका है और ये तैयार है। लेकिन एक बात, इसको हम लोग हैमरिंग पे नहीं चला तो चलाएगा, इसके लिए हम लोग इसको नॉर्मल पे चलाते हैं। ये मेरे पास दो कलैया पेच है, एक है 2 इंची का जो कि हम लोग ऊंचे वाली नाली पे लगाते हैं, तो ये ऊंचे वाली नाली पे 2 इंची का लेगा, और ये है 1.5 इंची का जो कि नीचे वाली नाली पे लगेगा, जो फ्लैट है उसमें लगेगा। तो आप अगर नीचे लगाना चाहते हैं तो 1.5 इंची का लगाइए, ऊपर लगाना चाहते हैं तो 2 इंची का लगाइए। ये देखिए, आखिर में तुम सीख।